स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड अवर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉग्स इन दी फाउंटेन। तो आज हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। इन दिस स्टोरी द ऑथर प्रोवाइड्स अ डिलाइटफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिंपल इंसिडेंट इन्वॉल्विंग हिज आंट। इस सबक में ऑथर कहता है मुसन्निफ़ को, तो इस सबक में मुसन्निफ़ ने एक बहुत ही दिलचस्प किस्से की वजाहत की है जिसका ताल्लुक इसकी फुप्पी से था। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। लेट्स स्टार्ट। मैरी गोल्ड ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवन इन अवर ब्यूटीफुल कंट्री एंड दे आर कॉन्स्टेंटली इन डिमांड एट फेस्टिवल मैरिजेस रिलीजियस सेरेमनीज अराइवल्स एंड डिपार्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल काइंड्स। अब इसमें हमारे पास ऑथर क्या कह रहे हैं कि गेंदे के फूल इस खूबसूरत मुल्क में हर जगह ही उगते हैं और इनकी मुसलसल मांग भी होती है। ठीक है, अब त्यौहारों में, शादियों में और मजहबी तकरीब में मुसन्निफ़ कहते हैं अगर आप किसी अवामी मौके पे ख़ास तौर पर कह रहे हैं इफ़ यू हैपन टू बी अ गेस्ट ऑनर एट अ पब्लिक ओकेशन, यानी अगर आप किसी भी पब्लिक ओकेशन में गेस्ट हैं तो बी प्रिपेयर टू स्मदर्ड इन गार्लैंड्स ऑफ मैरीगोल्ड्स, तो तैयार रहें कि आपका गेंदे के फूल के हारों से आपका गला घोंटा जाएगा, यानी आपका दम घोंट देंगे। इस तरीके के वर्ड वो इस्तेमाल करें। उसके बाद अहम लिटल वेरी ऑफ दिस वेलकमिंग गार्लैंड बिकॉज ऑन वन ओकेजन अ स्लीपिंग बी नेस्टलिंग बिटवीन द पेटल्स द आउट एंड स्टंग मी अंडर माई चिन इट मेड फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पीच। अच्छा, ये क्यों बता रहे हैं कि जो है इनके साथ एक बार ऐसा हुआ कि इसलिए अब वो इन हारों से दूर ही रहते हैं, क्योंकि एक बार एक शहद की मक्खी कह रहे हैं व्हेन आई टोल्ड यंग गौहर अबाउट दिस इंसिडेंट ही आस्क्स दैट हाउ यू गॉट योर डबल चिन। तो कह रहे हैं कि जो है एक दफ़ा एक शहद की मक्खी ने ऐसे ही एक हार में फूलों की पत्तियों के अंदर छुपी हुई थी, इसने इनकी थोड़ी के नीचे काट लिया। तब इन्होंने अपने पोते या पोती को बताया तो इन्होंने सवाल किया एक्चुअली दी डबल चिन के इज़ दैट हाउ यू गॉट योर डबल चिन, के उन्होंने पूछा कि आपकी जो डबल चिन है यानी दो थोड़ियाँ हैं, इस पर उन्होंने सवाल किया कि आपकी थोड़ियाँ क्यों हैं। तो एक्चुअली दी डबल चिन केम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर हु हैज़। अब तो इन्होंने ये बताया कि इन्हें ये जो डबल चिन है वो उनकी ग्रैंड मदर की से मिली है, विरासत में मिली है। तो इनको ये डबल चिन ग्रैंड मदर से विरासत में, जनरली प्रोपोर्शन लेडी विद अ नंबर ऑफ चिन्स, क्योंकि वो जो है इन्हें विरासत मिली। और इनकी दादी एक बहुत ही सख्त और सर्द मिजाज खातून थी और उनकी कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो मजाक करें। गौहर एंड हिज सिस्टर सारा लाइक टू प्ले विद माय डबल चिन बट आई वुड नेवर हैव डेयर टच माय ओल्ड ग्रैनी ऑन हर चिन और एनीवेयर एल्स। कह रहे हैं कि जो है मैं यानी जो बच्चे हैं वो ट्राई करना चाह रहे थे, खेलना चाह रहे थे डबल चिन से, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कि उन्हें टच भी नहीं करने दी और मैं चाहता नहीं था कोई और भी चेट करें। शी वॉज अ स्टर्न रिजर्व वूमैन हु बिलीव दैट लिटल बॉय शुड स्पीक ओनली व्हेन स्पोकन। अब वो क्या कह रही है कि वो इस बात पे यकीन रखते कि जो छोटे बच्चे हैं वो बोलते हैं। शी फेड अस रीजनेबली वेल, शी केप्ट अ ग्रेट खान सामा बट शी डिड नॉट बिलीव इन सेकेंड हेल्पिंग। अब उन्होंने अपने घर में, दादी ने घर में आपको खानसामा भी रखा हुआ था जो इनके लिए खाना बनाता था, और इसके अलावा उन्होंने कोई भी मुलाजिम नहीं रखा था। आई हैव स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ इंडल्जिंग सेकंड हेल्पिंग्स। अब वो इन्होंने क्या किया, इसलिए इन्हें अपनी दादी के साथ मिलकर घर का काम करना पड़ता था। इसके अलावा इन्होंने बताया कि बचपन में इन्हें जो है सिर्फ वो दो कुफ्ताज की, टू मटन कोफ्ताज की इजाज़त देती थी। वेयर ऑल दैट आई वॉज सो ऑल आउट विद माई प्लेट ऑफ राइस, चावलों की प्लेट में जो है वो सिर्फ उन्हें दो मटन कोफ्ताज देती थी। आई लाइक कोफ्ताज, मुझे कोफ्ताज वो बता रहे हैं कि मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन जो है वो मुझे मना करते थे। इट वॉज पेनफुल फॉर स्मॉल फॉर, क्योंकि वो छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं टू हैव टू स्टॉप एट टू। तो वो कहते थे रुक जाओ दो पे ही। नाउ डेट आई एम ग्रोन मैन विद इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम आई हेल्प माई सेल्फ टू फोर, हाउ हु कैन स्टॉप मी। कह रहे हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी आमदनी है, तो मैं चाहूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से उससे माई सेल्फ टू फोर यानी दो से चार कर दूँ, हु कैन स्टॉप मी, मुझे कौन रोकेगा। लेकिन इनकी दादी की वजह से ये बता रहे हैं कि इन्हें जो है कम कर दिया था। उसके बाद डॉक्टर बैग हु ड्रॉप्स इन टू सी मी वंस ईयर रिमार्क डेट आई लुक ओवरवेट एंड डेट आई शुड कट डाउन ऑन माई फूड इनटेक। अब जब ये बड़े हो गए और ख़ुद मुख्तार हो गए तो उनका वज़न जो है वो बढ़ गया था,
डॉक्टर ने भी इन्हें सिर्फ डॉक्टर बैग जो है उन्होंने सिर्फ उनको ये दी कि आप 2 कोफ्ते ही खा सकते हैं, 2 कोफ्ते की हदायत की, 2 कोफ्ते का महदूद है। वट डिड यू हैव फॉर लंच ही आज उन्होंने पूछा कि आप क्या खाते हैं, कोफ्ता कड़ी है राइस, उन्होंने पूछा कोफ्ता कड़ी है राइस, हाउ मच राइस, जस्ट 2 स्मॉल हेल्पिंग्स, उन्होंने कहा सिर्फ 2 छोटी मतलब, एंड हाउ मन कोफ्ताज, ओनली 4, उनका सिर्फ 4, डोंट हैव मोर देन 2 ही एडवाइस, उन्होंने एडवाइस दी कि आप 2 से ज़्यादा नहीं खाएंगे। येस डैनी आई सेड, उन्होंने कहा येस। डॉक्टर बैग गेव मी अ पजल लुक, सॉरी आई सेड आई थॉट यू मर माई ग्रैंड मदर, ही थिंक्स आई हैव गॉट एक्जिमा। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है उन्होंने मुझे एक पज़ल दिया था, तो वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी दादी ग्रैंड मदर जो है वो है, क्योंकि उनकी दादी ने भी ऐसे किया था। नाउ ही थिंक्स आई हैव गॉट अल्जीमर्स, अल्जीमर्स मैं पहले भी यहाँ डिस्कस कर चुकी हूँ, अल्जीमर्स कहते हैं भूल जाने की बीमारी को जो अक्सर हो जाती है। अब टॉकिंग ऑफ मैरी गोल्ड, ग्रैनी सराउंडेड हर हाउस विद देम एज शी बिलीव दे कैप्ट स्नैक्स अवे, अपेरेंटली स्नैक्स डू नॉट लाइक देयर पंगेंट अरोमा। मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो बात हो रही है कि गेंदे के फूल लगा रखे थे इनकी दादी ने, क्योंकि उनका ख्याल था कि इसकी वजह से जो है वो सांप दूर रहते हैं, और स्नैक्स डू नॉट लाइक देयर पंगेंट अरोमा का मतलब है उसकी स्मेल, उसकी जो सख्त स्मेल होती है वो स्नैक्स को नहीं पसंद है। टू बिलीव इन दिस फॉल्कर अंटिल आई वाज टोल्ड बाय एन एक्सपर्ट ऑन रेप्टाइल्स, कह रहे हैं जब मैंने पढ़ा नहीं था रेप्टाइल्स के बारे में तो मैं भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता था दैट स्नैक्स डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि जो सांप होते हैं उनके अंदर इतनी सख्त नहीं होती, यानी इतनी ताकत नहीं होती, वो कमज़ोर होते हैं सूंघने की, उनकी जो खासियत होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। वुड बी इम्प्रीवियस टू दिस सेकेंड ऑफ फ्लावर्स और अदर ऑडोर्स मे बी सो, बट आई डोंट रिकॉल ओवर सींग स्नैक इन ग्रैनी गार्डन, आई थॉट आई डिड सी दैम एल्सवेयर, हाउ एवर वी डिड हैव प्लंटी ऑफ फ्रॉग्स थैंक टू द रिसर्च फाउंटेन इंस्टॉल्ड बाई ग्रैंड फादर बट नेग्लेक्टेड आफ्टर हिज डेथ। अभी क्या कह रहे हैं, इस बात पर मुझे यकीन था जब तक कि मुझे ये नहीं पता चला था कि सांपों को सूंघने की बहुत ज़्यादा कमजोरी थी, इसलिए वो इनके पास नहीं आते, ठीक है। और इन्होंने कभी भी घर के इर्द गिर्द कोई सांप नहीं देखा, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, हमारे घर के यहाँ पास जो है मेंढकों की बहुत ज़्यादा तादाद हो गई थी, और इनके पास घर के पास जो फवारा था उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी जो उनके ग्रैंडफादर ने लगाया था, जिसमें एक बार सफ़र की वापसी में उन्होंने छोटी छोटी मछलियाँ भी लाकर डाली थी, ठीक है। उसके बाद वो क्या बता रहे हैं, द फाउंटेन हैड नॉट फंक्शन फॉर अ कपल ऑफ इयर्स बट द लिटिल रिजर्वायर इन विच इट स्टूड हैड फिल्ड विद रेन वाटर एंड वाज नाउ कवर्ड विद द वाटर लिलीज। अब कह रहे हैं जब बारिश हुई तो वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे मेंढक्स। वन डे आफ्टर एन एक्सपीडिशन टू द कैनल हैड वर्क आई ब्रोट होम सॉन्ग्स फॉर फिश इन अ बकेट एंड यूज देम टू द लिली पॉन्ड, आई हैड नॉट पेड मच अटेंशन टू द टैडपोल स्विमिंग अराउंड इन द बकेट, कह रहे कुछ मछलियाँ हालांकि उसके अंदर डाली थी लेकिन वो मर गई थी, और वहाँ पे मेंढक जो है वो और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए थे। वेल द फिश डाइड, जब वो मर गई, एज दे एज वर यूज टू फ्रेश रनिंग वाटर एंड नॉट स्टैग्नेंट वाटर, बट द टैडपोल्स डिड वेरी वेल, वो अच्छी तरह बढ़ रहे थे, एंड बिफोर लॉन्ग वी हैड फ्रॉग्स लीपिंग ऑल ओवर द प्लेस, और हमारे घर में मेंढक हर जगह उछलते रहते थे, ठीक है। उसके बाद वेरी सून द फ्रॉग्स मल्टीप्लाइड, दे वुड कम इन टू द वरेंडा एट नाइट एंड कीप अस अवेक विद देयर इंसेंट सिंगिंग एंड वार्बलिंग। अब वो क्या बता रहे हैं कि वो रात के टाइम पे जो है वो आ जाते थे, टैडपोल्स डिड वेरी वेल, यहाँ तक हमने बढ़ा, कीप अस अवेक विद देयर इंसेंट सिंगिंग एंड वार्बलिंग। अच्छा, मेंढक जो है वो ऐसी आवाज़ निकालते हैं जो उनकी आवाज़ रुकती नहीं है, यानी वो आवाज़ रोकते नहीं है, हर वक्त उनकी आवाज़ निकलती रहती है, तो ये कह रहे हैं कि उनकी ना ख़त्म होने वाली आवाज़ से वो जो है गाना गाना शुरू कर देते। आई कांट स्लीप अ विंग कंप्लेन आंट मैबल, ये इनकी पप्पो हैं कोई जिनके बारे में बता रहे हैं कि जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा शिकायत थी इससे, हु आर सेंसिटिव टू नॉइस एंड एलर्जिक टू चॉइस मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ बास सिंगर्स। मैंने ये बता रहे हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, वो सो नहीं पा रही थी इनकी आवाज़ों की वजह से, तो दे वर सिनेंडिंग यू, आई सेड इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस एनी वन हैड सिनेंडेड नॉन मेबल कन्फर्म स्पिनसर इन हर अर्ली 40s। तो ये क्या बता रहे हैं कि मैंने इनसे कहा कि वो आपको जो है इश्किया
गीत मतलब प्यार भरे गाने सुना रहे हैं। तो काफ़ी वक्त हो गया आपने ऐसे गाने नहीं सुने, यानी मजाक में लेकर जा रहे थे कि आपको वो इस तरीके से सुना रहे हैं। उसके बाद दे विल गो अवे अमंग्स द रेन्स, फिर जब बारिश खत्म होगी तो वो चले जाएंगे सैड ग्रेन होपफुली। दादी जो थी इनकी, उन्होंने ऐसे कहा कि वो चले जाएंगे। एंड वे विल स्क्रीमिंग फॉर हेल्प इस ग्रैनी दिखा सम, बट दे डिड नॉट गो अवे, लेकिन वो नहीं गए। वन डे स्क्रीम्स केम फ्रॉम द बाथरूम, एक दिन अचानक बाथरूम से चिल्लाने की आवाज़ आई। आंट मेबल स्क्रीमिंग फॉर हेल्प, आंट मेबल जो इनकी फुप्पो हैं वो चिल्ला रही थी, यानी हेल्प के लिए किसी को बुला रही थी। तो ग्रैनी द खानसामा एंड आई रेन टू हर एड, डिस्कवर्ड दैट द कॉज ऑफ डिस्ट्रेस वॉज अ लार्ज फ्रॉग स्विमिंग अराउंड इन द पॉट। अब ये जो इनकी चिल्लाने की वजह थी वो ये थी कि यहाँ पे पप्पू मेबल के पास जो है एक मेंढक आ गया था जो इनके उसमें चला गया था, पॉट में चला गया था, इसलिए वो चिल्ला रही थी। उसके बाद आई पुल द फ्लैश चेन, देयर वॉज अ लाउड गार्लिंग साउंड, अ कम्बिनेशन ऑफ फ्रॉग एंड फ्लैश एंड आउट टू जम द फ्रॉग स्ट्रेट इन टू आंट मेबल साम। अब वो क्या कह रहा है कि जब मैंने फ्लैश की जंजीर खींची तो वो मेंढक फुदक कर पप्पो मेबल के बाजू में चला गया। उसके बाद शी लेफ्ट फॉर लखनऊ डेट डे सेइंग शी वुड बी सेफर इन अ जू वेयर ही कज़न वॉज अ सुपरिंटेंडेंट। अब वो कह रही है वो यहाँ से फिर उन चली गई और वो लखनऊ चली गई और वो वहाँ जू में चली गई जहाँ पे उनके कज़न थे, तो वो वहाँ चली गई। उसके बाद वी वेल ग्रैनी हायर्ड सम लेबर्स टू एम्प्टी द लिली पॉन्ड एंड राउंड अप एज मैनी फ्रॉग्स एज दे कुड, दे वर पुट इन टू बास्केट्स एंड टेकन टू सम मिस्टीरियस डेस्टिनेशन। इसके बाद हमने घर से तमाम मेंढक इकट्ठे किए और इन्हें कहाँ छोड़ा है हम, स्टेशन, ठीक है। उसके बाद परहैप्स दे हैव बीन एक्सपोर्टेड टू चाइना अम्यूज्ड और इवन टू फ्रांस, दे ईट फ्रॉग्स दे डोंट दे, मतलब वो कह रहे हैं कि चाइना में फ्रांस में ये खाए जाते हैं। तो ओनली द लैग सेड ग्रैनी, दादी से कोई पूछ रहा था कि शायद खाए जाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ लैग यानी सिर्फ फ्रॉग्स की लैग्स खाई थे, बट दे हैडन्ट बीन एक्सपोर्टेड। द खानसामा टोल्ड मी लेटर दैट द बास्केट्स हैड बीन ओपन एंड डंप नियर अ पॉन्ड बिहाइंड द रेलवे स्टेशन एंड बिफोर लॉन्ग दे वर ऑल ओवर द स्टेशन वेटिंग रूम्स एंड प्लेटफॉर्म। Until the station master had a brilliant idea, he had the frogs rounded up by a number of street urchins who wanted to make a little pocket money. He then had them packed firmly into several well ventilated box. अब इसके बाद वो क्या बता रहे हैं कि जो जहाँ पे ये लोग छोड़ कर रहते हैं स्टेशन पे, तो एक बार वो फिर बाहर निकल आए और खानसामा ने बताया इन्हें कि सारे स्टेशन में वो फैल गए। और फिर स्टेशन मास्टर जो था उसने दोबारा जमा करके लखनऊ के चिड़ियाघर में भेज दिया इनको। ये द क्रेट्स वर लेबल टू लखनऊ जू, वहाँ भेज दिया इनके निगराम के पास से, एंड डिस्पैच एज अ फ्री गिफ्ट, एक मुफ्त तोहफे के तौर पर। उसके बाद यहाँ पे जू के बारे में बताया, जू इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर क्रिएचर, कुदरत का बहुत अच्छी जगह है, ग्रेट एंड स्मॉल ओपन एन अवर फिलोसफिकल स्टेशन मास्टर हु हैड प्रीवियसली सेंड देम अ कंसाइनमेंट ऑफ स्ट्रे स्टेशन डॉग्स। आज का हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, टेक केयर।